शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लुकवासा में बाल दिवस पर विशाल बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत लुकवासा के भाजपा नेता हरिओम रघुवंशी जी, विशिष्ट अतिथि लुकवासा चौकी प्रभारी SI हुकुम सिंह मीना जी, वरिष्ठ पत्रकार विशोक व्यास जी रहे। बाल मेले में विद्यार्थियों द्वारा खान पान की अनेक दुकानें लगाई गई, गेम्स जोन बनाए गए, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, नृत्य प्रतियोगिता, फैंस डेस प्रतियोगिता, गान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अच्छे कार्यक्रम में हमेशा देखता रहता हूँ कि इनका कार्यक्रम हमेशा अच्छी रहते हैं, और इनको बनाया गया है विवेक त्रिपाठी जी को इस जनभागीदारी के अध्यक्ष के रूप में। ये बहुत अच्छा कार्यकाल संभालेंगे, ये हमेशा से मैं इनको देखता रहा हूँ। इनका कार्यकाल इतना अच्छा है कि सुबह तो इनका सुबह से मॉर्निंग में हमेशा व्यायाम, बैडमिंटन, ये हमेशा इनका कार्यक्रम चलते रहते हैं सारे के सारे युवा लोगों के साथ में। जहाँ तक की बात है, एक बार और आया था मैं विधायक जी के साथ में 10-15 दिन पहले या एक माह पहले। यहाँ पर विद्यालय का तो हमारा और आपका, सारे शहर के सभी गणमान्य लोगों की हिस्सेदारी रहना चाहिए, क्योंकि महाविद्यालय जैसा ये विद्यालय में बहुत कमियाँ हैं। मैंने उस दिन भी रखा था कि हम और आपको सबको बढ़ चढ़ के हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जी, कतिपय कारणवश आपने भले ही उपयोग न किया हो, लेकिन करेरा के समाज को, विशेषकर इस महाविद्यालय को आपकी प्रतिभा का उपयोग मिले, प्रतिभा का लाभ मिले, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने आपको जनभागीदारी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। क्योंकि मैं शुभकामना इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार हमें देखने में आता है कि जिस काम के लिए जिस उपयुक्त व्यक्ति को की तलाश की जाती है, और यदि वो तलाश अच्छे व्यक्ति के रूप में प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस समाज को मिलता है। करेरा महाविद्यालय में अगर बात करें तो अभी आदरणीय प्राचार्य जी कह रहे थे कि यहाँ कक्ष कम है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें, अन्यथा ना लें। लोग कहते हैं यहाँ छात्र नहीं आते या पढ़ाई नहीं। आज यहाँ पधारे सभी, समारोह हो और उसमें अभी ठीक से जनभागीदारी ना हो, ये ठीक ना होता। अतः हमने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कुछ चुनिंदा और सम्मानीय लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं नगर में जिनको हम यहाँ आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन किन्हीं कारणों बस उनको नहीं बुला सके, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम पद ग्रहण समारोह है, लेकिन मैं इसको पद ग्रहण समारोह के रूप में ना लेते हुए एक जिम्मेदारी ग्रहण करने के रूप में देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे आज एक जिम्मेदारी दी जा रही है जिसको मैं ठीक से निर्वहन कर सकूँ, ऐसी आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम पद ग्रहण है। जब हम किसी पद को ग्रहण करते हैं तो उस पद से जुड़े हुए कुछ हमें अधिकार प्राप्त होते हैं एवं कुछ हमारे दायित्व भी होते हैं, लेकिन मैं अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उन दायित्वों की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि जब दायित्व की जिम्मेदारी के रूप में इसको ग्रहण करते हैं तो अधिक से अधिक इस महाविद्यालय के विकास की ओर ध्यान जाता है। और जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो सिर्फ पद के उपभोग तक ही सीमित रहता है। मैं चाहता हूँ जब इस पद के अधिकारों का उपयोग सिर्फ मेरे द्वारा इन दायित्वों के निर्वहन हेतु ही किया जाए, और मैं इस विद्यालय के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करूँगा। काफ़ी लंबे समय से आशीर्वाद से
आपका जो निर्देश होगा उसका पालन मैं करूंगा ही, और मध्य प्रदेश की सरकार से आपके निर्देशों का पालन कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा कॉलेज का नाम मध्य प्रदेश के पटल पर प्रथम पंक्ति में गिना जाए, और वो प्रथम पंक्ति में जब गिना जाएगा, जब हमारे सभी बेटा बेटियों का योगदान इसमें होगा, हमारे शहर के शहरवासियों का इसको उन्नत करने में योगदान होगा, सभी समाज सेवियों का योगदान होगा, सभी बुद्धिजीवियों का योगदान होगा, और हम सब मिलकर इस कॉलेज को नंबर एक का कॉलेज बना सकते हैं। इसका नाम ही जनभागीदारी है। जनभागीदारी से मिलकर चाहे व्यक्ति धन से समर्पित तन की सेवा करे, मन की सेवा करे, वो जिनके पास हो वो धन की भी सेवा करके हम इस कॉलेज का विस्तारीकरण करके मध्य प्रदेश के पटल पर अपने इस कॉलेज प्रबंधन का, इसके करेरा के नाम को हम रोशन कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, मेरी जहां भी जिस रूप में भी आपको जरूरत होगी, मैं आप लोगों के लिए, मैंने कई बार करेरा के कई मंचों से बोला है कि मैं करेरा के नागरिकों के लिए, करेरा के मतदाताओं के लिए, करेरा के बेटा बेटियों के लिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं मंत्री नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, और आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे बखूबी निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। साथियों, 2018 में आपने मुझे विधानसभा में भेजा, और उन 15 महीनों के कार्यकाल में मैंने बहुत कुछ इस करेरा को बदलने की कोशिश की, और ईश्वर की कृपा से, बगीचा सरकार की कृपा से करेरा के अंदर विकास और प्रगति के रूप में कई बदलाव हमें देखने को मिले। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां बदली, सरकार बदली, हम भी बदले, और हमारे करेरा के जो मतदाता बंधु थे उनका शायद हम कहीं ना कहीं दिल जीतने में मैं शायद असफल रहा हूंगा, लेकिन मैंने अपने जीवन का एक एक पल करेरा की आगे इस क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया है। मुझे आशा है आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह मुझे ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। आज भले ही मैं अप्रत्यक्ष रूप से दर्जा प्राप्त मंत्री हूं, लेकिन आपके काम करने में, आपको आपके समस्या का समाधान करने में मैं किसी मंत्री से भी कम नहीं हूं, क्योंकि मुझे आप सब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है। और आने वाले समय में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और हमारे लिए नेतृत्व के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व सदैव हमें मिलता रहे, जिससे भारत माता का और भारत का कीर्तिमान विश्व पटल पर स्थापित ऐसा ही बना रहे, और हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर जो चले थे, विश्व गुरु की कुर्सी पर हम ये हिंदुस्तान स्थापित हो, हिंदुस्तान का नेतृत्व स्थापित हो, ऐसी आशा उम्मीदों के साथ मैं पुणे सभी अतिथियों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए पुनः आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपको जिस वक्त भी, जिस पल भी, जिस घड़ी भी, किसी भी क्षेत्र में विकास और प्रगति के लिए या सामाजिक संरचना के लिए हमें जब जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, तो आपको तो पूछने, आपको कहने की वैसे आवश्यकता नहीं है, मैं निरंतर आपकी सेवा में और क्षेत्र की विकास के लिए, प्रगति के लिए लगा रहता हूं। आदरणीय रामस्वरूप जी,